नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स था, सर केमिकल्स कंपनी के ऊपर एक बार जरूर वीडियो चर्चा करिएगा। तो आज मैं एक नहीं, दो नहीं, चार चार केमिकल कंपनी के बारे में बात करूंगा। जो चारों कंपनी आज मुझे डिस्काउंट में मिल रहा है और एक सस्ते दामों में मिल रहा है, और मुझे लगता है ये चारों कंपनी फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ ले आ सकते हैं। इस सारे वीडियोज मतलब इस सारे कंपनीज का अपडेट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो प्लीज एक बार आप किसी भी रिस्ट एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। देखिए, केमिकल सेक्टर के जो डिमांड है वो हमेशा होता रहता है, क्योंकि देखिए केमिकल का जो डिमांड एकदम जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर केमिकल सेक्टर का डिमांड जीरो हो जाएगा तो हम लोग खाने पीने का चीज से लेकर पहनने के चीज से लेकर जो चीज हम लोग डेली बेसिस यूज करते हैं, तो वो सारे के सारे चीज देखा जाए ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, मतलब केमिकल से ही बनाया जाता है। तो केमिकल का जो डिमांड है वो अगर देखा जाए तो 2019 में 178 यूएस बिलियन डॉलर के आसपास था, और 2020 में 194 था, 2021 में 212 था, 2022 में 232 बने, 2023 में 250 के ऊपर बना, 55 के आसपास बना, 2024 में 278 बना, और 2025 तक वो बन जाएगा 300 के ऊपर। मतलब एवरेजली जो सीएजीआर के ग्रोथ हो रहा है वो 9.3% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। तो बहुत शानदार तरीके से इस सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है। तो कितना ग्रोथ हो रहा है वो भी और भी मैं आपको डिटेल्स में डिस्कशन करूँ। बताया जा रहा है कि इंडियन, तो आप देख सकते हैं जो केमिकल सेक्टर का जो डिमांड है वो किस तरीके से बढ़ चुके हैं। अगर इंडियंस केमिकल मार्केट के बारे में बात करूँ तो वैल्यूड यूएस डॉलर 220 बिलियन डॉलर, वो भी कब का, 2023 का डेटा। और ये भी बताया जा रहा है कि ये ग्रोथ 2030 में वो 383 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। तो देखिए 220 बिलियन कब हुआ था, 2023 में, और 30 में कब कितना बनेगा, 338 बिलियन। तो कितना शानदार ग्रोथ होगा आप एक बार सोच। अराउंड 8.1% के सीजर के आसपास कंपनी का इस सेक्टर में ग्रोथ होने वाला है। और ये भी बताया जा रहा है कि करंटली द सिक्स लार्जेस्ट ग्लोबली बाय द सेल्स हैज, आप देख सकते हैं, अट्रैक्टिव यूएस डॉलर 21.7 बिलियन एफडीआई। मतलब ये भी बताया जा रहा है कि जो ग्रोथ है वो मतलब बेनिफिट जो है वो ऑब्वियसली इंडियन मार्केट को सबसे ज्यादा बढ़ने वाला है। तो इसके ऊपर एक डेटा अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये बताया जा रहा है कि इंडियंस केमिकल मार्केट 29 बिलियन डॉलर हिट कर चुके हैं 2024 में, और ये भी बताया जा रहा है कि 2029 में वो 3.26% सीएजीआर के हिसाब से ग्रोथ होने वाला है। तो इस डेटा आंकड़े के बारे में एक ही बात कहूंगा कि जो सेक्टर का ग्रोथ होने वाला है उस ग्रोथ में केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर अभी से आपको अपॉर्चुनिटी जिस कंपनी के ऊपर मिल रहा है उसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। उनमें से मैं चार कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा, जिस चारों कंपनी के ऊपर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन एफआईएस और डीआईएस ने माल उठा रहा है, मतलब क्वांटिटी एडिंग कर रहा है। तो वो लोग इस टाइम क्यों एडिंग कर रहा है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी कौन सा कंपनी है चलो एक एक करके देख लेता हूँ। सबसे जो बेस्ट कंपनी है मेरे पोर्टफोलियो में, सबसे ज्यादा बेस्ट कंपनी मुझे लगा वो है इस क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करो, कंपनी अलग अलग सेगमेंट के ऊपर काम करता है, जैसे परफॉर्मेंस केमिकल। अभी परफॉर्मेंस केमिकल यूज कहाँ पे होता है, बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रियल जगह पे परफॉर्मेंस केमिकल का यूज होता है सबसे ज्यादा। इस कंपनी परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रो इंडस्ट्रीज के ऊपर भी केमिकल्स यूज किया जाता है, उसका भी प्रोडक्ट इसी कंपनी बनाते हैं। एफएमसीजी केमिकल्स मतलब एफएमसीजी सेगमेंट में खाने पीने का चीज बनाने में, तो इस तरीके से प्रोडक्ट में जो केमिकल यूज किया जाता है तो वो भी इसी कंपनी बनाते हैं। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांग बिजनेस मुझे देखने को मिला, और इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि इस कंपनी के एम्प्लॉई 1000 से ऊपर है, कस्टमर 500 से भी ऊपर है, इसका टोटल 14 प्लांट्स है। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे, सर आप इस कंपनी का चर्चा कर रहे हैं, इस कंपनी तो आज लाइफ टाइम हाई के नीचे चल रहा है, तो इस कंपनी इतना बड़ा क्रैश हो चुका है और आप इस कंपनी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको अभी बताऊंगा, आप ध्यान से चीज़ों को देखना। हमेशा याद रखना वॉरेन बफेट जी का एक बात कि अच्छे कंपनी और बेस्ट कंपनी, बेस्ट सेक्टर फ्यूचर ग्रोथ कंपनी है, फ्यूचर मतलब फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर कंपनी है, अगर वो कंपनी आपको सस्ते में मिले तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं सबसे पहले कुछ डेटा अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए कंपनी का आज लास्ट 2 ईयर्स में केमिकल सेक्टर का हालत खराब है, फिर भी इस कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर कैपेक्स के बारे में बात करूँ, देखिए इस बार कंपनी कैपेक्स बढ़ा है 226 करोड़,
जो पिछले बार था 170 करोड़, उससे पहले था कितना, 139 करोड़, उससे पहले था 80 करोड़। मतलब कंपनी हर साल में खुद के कैपेक्स को बढ़ाते चले गए, तो एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है। दूसरी बात, आरओसी आरओई देखेंगे तो आपको कभी भी किसी भी जगह पे कमियां देखने को नहीं मिलेगा। जो कंपनी अराउंड 40-50% के आसपास क्रैश हो चुके हैं, 40-50% नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, तो उस टाइम में भी जिस कंपनी का आरओसी आरओई इतना बेस्ट है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इतना बेस्ट है, तो क्या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए? कंपनी के एक रुपया भी डेप नहीं है। चलो और भी कुछ डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ, आप देखेंगे कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो किसके ऊपर, परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर 67%, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर 19%, एफएमसीजी के ऊपर 13% और अदर्स के ऊपर 1%। तो चलो अभी देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स क्या बता रहा है। देखिए फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मार्केट कैप कितना है, 14,300 करोड़। मतलब अभी भी स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। कंपनी के पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से थोड़ा सा हाई है, इसके लिए करेक्शन हो रहा है। चलो पी रेशियो कितना हाई है वो भी दिखा देता हूँ। एक टाइम पी रेशियो चला गया था 138 और आज पी रेशियो कहाँ पे है, 60 के आसपास। मतलब कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता में हो चुके हैं। अभी कंपनी के कंपनी के अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करूँ तो एक टाइम था 40 के ऊपर और आज प्राइस टू बुक वैल्यू है सिर्फ 11 के आसपास। मतलब एक सस्ते दाम में कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिला। अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए कभी भी खुद के नेट प्रॉफिट को उतना कम नहीं किया। हाँ लास्ट ईयर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम इसीलिए देखने को मिला करंट ईयर में, क्योंकि केमिकल सेक्टर में लास्ट 2 ईयर्स में खराबी आया, लास्ट 2 ईयर्स में ग्रोथ नहीं हुआ, इसके चलते कंपनी के ऊपर सेल्स कम हुआ। सेल्स कम होने के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे कम हो चुके हैं। इसमें कोई चिंता करने वाला बात नहीं है, क्योंकि पूरा के पूरा सेक्टर में इस तरीके से प्रॉब्लम्स देखने को मिला। अभी देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ में करंट ईयर में नेगेटिव दिखेगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इसलिए कंपनी कुछ रिटर्न नहीं दिया, मगर आरओसी आरओई बेस्ट है। और मजेदार बात इस कंपनी के ऊपर बता दूँ, मजेदार बात यही है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहाँ पे रिजर्व ऑब्वियसली कंपनी का 5 टाइम्स रिजर्व बढ़ चुके हैं और कंपनी का फिक्स्ड एसेट अराउंड 6 टाइम्स फिक्स्ड एसेट बढ़ चुके हैं और कंपनी का बोरिंग्स एकदम जीरो के आसपास है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी की इस बार कितना प्रोजेक्ट मिला, कंपनी का टोटल ट्रेड मिला 160 करोड़ के आसपास। तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर क्या कर रहे हैं, अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर देखिए म्यूचुअल फंड ने कुछ क्वांटिटी को सेल अप किया, मगर एफआईएस ने क्या किया, होल्डिंग को बढ़ा रहा है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ इंस्टीट्यूशन होल्डिंग को बढ़ा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ बड़ा होने का चांसेस है। अगर यहाँ पे भी मैं अगर दिखा दूँ, आप खुद ही देख सकते हैं कि टोटल डीएस के पास जो होल्डिंग था 4-4.5%, वो बढ़ के 5% हो चुके हैं। एफएस के पास जो 4-4.5% 3% होल्डिंग था, वो बढ़ के 5.5% हो चुके हैं। मतलब कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है। अभी करंट लाइफ टाइम हाई से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेस हुआ है, ओवरऑल बात करो तो 50% क्रैश हुआ है। तो मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है और इस अपॉर्चुनिटी को मैं नहीं छोड़ूंगा। और आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है यशो इंडस्ट्रीज, देखिए इंडस्ट्रीज बहुत पुराना कंपनी है, बहुत पहले से बीएससी के ऊपर लिस्टिंग है और आज एनएससी में डेटा देखेंगे तो आपको उतना ग्रोथ नहीं दिखेगा क्योंकि एनएससी में बहुत बाद में कंपनी लिस्टिंग हुआ। तो यशो इंडस्ट्रीज जो जिस सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, जहाँ जहाँ पे कंपनी केमिकल बेच रहा है, प्रोडक्ट को तैयार कर रहा है, आप देख लीजिए वर्ल्ड वाइड में कंपनी काम कर रहा है, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड में कंपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है, जहाँ पे फूड्स सेक्टर के ऊपर, साथ ही साथ लुब्रिकेंट सेक्टर के ऊपर, स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर, साथ ही साथ प्री जो डिस्पर्स्ड रबर सेक्टर है, रबर केमिकल्स है उसके ऊपर, साथ ही साथ रबर सेक्टर के ऊपर एंड जो एरोमा केमिकल्स है उसके ऊपर कंपनी का प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। तो जो जो सेक्टर के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट बेच रहा है उसका डिमांड आज इतना है, फ्यूचर में और भी कई गुना ज़्यादा बनने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट वाइज। आप अगर फूड के लिस्ट के बारे में बात करूँ तो फूड के लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, फूड के ऊपर जहाँ जहाँ पे यूज़ किया जा रहा है वो डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके प्रोडक्ट लिस्ट को आप देख सकते हैं। अभी चलो कंपनी के ऊपर ग्रोथ कितना है वो मैं आपको बता दूँ। अगर मैं ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो कैपेक्स है, अगर कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार सारे हद पार कर दिए। कंपनी पिछले बार सिर्फ 150 करोड़ के कैपेक्स बढ़ाए थे, उससे पहले 2022 में से 60 करोड़ का कैपेक्स बढ़ रहे थे, आज वो कैपेक्स बढ़ के 350 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब हाईली कैपेक्स को कंपनी बढ़ा रहा है और इसी कैपेक्स बढ़ने के कारण कंपनी का ग्रोथ होने का भी चांसेस है। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि कंपनी का आरओई एंड आरओसी बेस्ड है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ चुके हैं। हाँ थोड़ा सा कर्जा कंपनी का बढ़ा है, फिर भी पहले जो कर्जा था 2% के आसपास वो थोड़ा सा कम हुआ है, 50% कर्जा यहाँ पे कम कर चुके कंपनी। अभी कंपनीज के रेवेन्यूज के बारे में बात करो तो कंपनी का रेवेन्यू कहाँ पे आ रहा है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी 66% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और इंडिया में 34%। अभी देखिए सेगमेंट वाइज बात करूँ तो कंपनी के
जो इंडस्ट्रियल केमिकल है उसके ऊपर 84% एंड कंज्यूमर जो केमिकल्स है उसके ऊपर 16% कंपनी का प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है। और राबर इंडस्ट्रीज में कंपनी 35%, स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर 25%, लुब्रिकेंट इंडस्ट्रीज में 14%, एरोमा केमिकल्स के ऊपर 13% एंड फूड जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 13% कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं और बेचते हैं। तो कंपनी का भी चलो फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं किस तरीके से ग्रोथ हुआ है। अगर मैं यशो इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ तो अभी 2000 करोड़ का कंपनी है, बहुत छोटा है, वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है, आरओसी आरई एवरेज लेवल के ऊपर है, ठीक ठाक है, इनकम जबरदस्त है, हाँ कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है, एक कंपनी के लिए एक बिग वीकनेस पॉइंट है। अर्निंग पर शेयर बहुत शानदार है, 50 के आसपास है। अगर साल भर की डेटा दिखा दूँ तो कंपनी के सेल्स इस साल में थोड़ा सा कमियाँ देखने को आपको मिलेगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, फिर भी कंपनी उतना कमियाँ देखने को नहीं मिला, अराउंड 70 to 80 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स कम हुआ, एक्सपेंस कम उनका किया, उसके बाद नेट प्रॉफिट 64 से 57 बना, 7 करोड़ बना, अराउंड आप 7 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ। कोई बात नहीं, सेक्टर जब ग्रोथ करेगा तो फिर से कंपनी रिकवरी कर जाएगा। तो साल भर में कंपनी का प्रॉफिट एंड मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट को नेगेटिव दिखेगा, बाकी तो सब ठीक ठाक है। कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज भी अच्छा खासा ग्रोथ रिटर्न दिया, कंपनी 5 साल में 70%, 3 साल में 60% के आसपास रिटर्न दिया। बाकी देखा जाए तो कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी का रिजर्व दो मतलब 2 करोड़ के आसपास था 2015 में, 10 साल में 280 करोड़ बना, मतलब अराउंड देखा जाए तो जो कंपनी का ग्रोथ हुआ यहाँ पे रिजर्व का 140 गुना के आसपास, और बोरिंग्स देखिए 121 से लेकर 550 करोड़ के आसपास देखने को मिला। फिक्स्ड एसेट 50 करोड़ था, आज 200 करोड़ है, मतलब 4 टाइम्स कंपनी का ग्रोथ हुआ। अभी कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला, इस बार कंपनी के प्रोजेक्ट मिला 125 करोड़, और कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर कितना पैसा लगाया, 450 करोड़, मतलब कंपनी जो कर्जा लिया वो यहाँ पे कंपनी पैसा लगा चुके हैं। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस हुआ है। अभी इन्वेस्टर के बारे में बात करो, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास सबसे होल्डिंग है। अभी देखिए एफआईएस के पास 0 होल्डिंग था, एफआईएस धीरे धीरे करके खुद के होल्डिंग को बढ़ा रहा है, जो पिछले बार कंपनी के एफआईएस के ऊपर कोई भी होल्डिंग नहीं था, इस बार 1% के ऊपर होल्डिंग हो चुके हैं, मतलब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। तो बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्टपन के बारे में बात करूं, देखिए कंपनी का जब स्टार्टिंग हुआ था 2018 में, तब इसका प्राइस था 114 रुपीज़। अगर तब से लेकर कंपनी का मतलब लास्ट 10 ईयर्स का ग्रोथ दिखा दूं तो कंपनी 2000% का रिटर्न दे दिया। अभी मुझे लगता है बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, इस लेवल का अगर ब्रेक करे तो एक बड़ा धमाका बन सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है न्यूजन केमिकल्स लिमिटेड। तो नियोजन केमिकल्स लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। इसका प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स, साथ ही साथ इनऑर्गेनिक केमिकल्स, साथ ही साथ आप देखेंगे तो ग्रीन जो मतलब ग्रीन गेंट जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर भी कंपनी केमिकल बनाता है, एडवांस केमिकल्स भी कंपनी बनाता है, साथ ही साथ केमिकल्स के कुछ प्रोडक्ट्स भी कंपनी बना रहा है। तो बेसिकली कंपनी का जो सेक्टर है वो सेक्टर टोटली केमिकल के ऊपर है। और इस कंपनी का अगर प्रोडक्ट वाइज लिस्ट के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट है, कहाँ कहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं, वो सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो कितना ग्रोथ हो रहा है वो मैं आपको बता दूँ। अगर सबसे पहले कंपनी के कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो इस बार कंपनी हाइस्ट कैपेक्स को इंक्रीज किया, जो पिछले बार कैपेक्स 78 करोड़ था वो बढ़ के हो चुके 300 करोड़, और 2022 में कैपेक्स था 170 करोड़, मतलब कंपनी कैपेक्स को हाई लेवल तक लेके गए। तो जब केमिकल सेक्टर के परफॉर्मेंस खराब है उस टाइम कैपेक्स को बढ़ा रहे थे, मतलब एक गुड पॉइंट्स है। कंपनी के अगर मैं डेटा के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी का डेप्थ 1% के आसपास था, थोड़ा सा कम हुआ है, और आरओसी आरओई दोनों ही एवरेज लेवल के आसपास है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन पहले भी जितना था उतना ही देखने को मिला है। अभी कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, आप देख सकते हैं इंडिया से कंपनी का रेवेन्यू 73%, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 27%, कंपनी का ऑर्गेनिक केमिकल्स के ऊपर 79% और इनऑर्गेनिक केमिकल्स के ऊपर 21% प्रोडक्ट को कंपनी बना रहा है। तो कंपनी के जो सेक्टर में प्रोडक्ट को बेचते हैं जहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर 65% और एग्रो इंडस्ट्रीज में 17%, साथ ही साथ इंजीनियरिंग सेगमेंट के ऊपर 13% एंड अदर्स के ऊपर 5%, ओवरऑल कंपनी बिजनेस को अलग लेवल में फैला के रखा है। अभी चलो कंपनी के बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कंपनी का मार्केट कैप 4000 करोड़ के आसपास है, कंपनी का पी रेशियो मुझे थोड़ा सा हाई लगा क्योंकि कंपनी का पी रेशियो एक टाइम था अराउंड अराउंड 119 के आसपास, आज वही लेवल में पहुंच चुके हैं, मतलब वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई हो चुके हैं, और इस हाई वैल्यूएशन के ऊपर काम करना थोड़ा सा रिस्की तो होगा ही।
अभी ये दिखाऊंगा कि कंपनी का फिलहाल के लिए हालत क्या है। डेप थोड़ा सा ज़्यादा मुझे देखने को मिले, फिर भी 0.50 के आसपास है, और कंपनी के इनकम अच्छा खासा है, और कंपनी के जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी बेस्ट तरीके से देखने को मिला। अभी मज़ेदार बात आपको बता दूँ, कंपनी के जो क्वार्टरली सॉरी साल भर के जो डेटा है 74 करोड़ के आसपास, 2014 में 74 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ था, वो आज बढ़ के 690 करोड़ बना। मतलब जो केमिकल सेक्टर में डिमांड कम हुआ, इस कंपनी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आया, कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा वीकनेस आया, 50 करोड़ से 36 करोड़ बना। तो ये कंपनी के लिए एक वीकनेस पॉइंट है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ तो उतना खास नहीं है, मतलब फिर भी पॉजिटिव है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ 30% के आसपास वीकनेस हो चुके हैं, क्योंकि प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। अभी देखिए कंपनी एक साल में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड किया है। अभी कंपनी लास्ट ईयर्स में 25% और 5 साल में 34% के आसपास रिटर्न दिया। अगर मैं कंपनी के रिजर्व के बारे में बात करूँ, तो 15 से लेकर 700 करोड़ तक कंपनी का रिजर्व बढ़ चुके हैं। अगर बोरिंग्स के बारे में बात करूँ, तो 25 करोड़ से 400 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। फिक्स्ड एसेट 14 करोड़ से 500 करोड़ तक पहुँच चुके हैं, और कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इस बार हाइस्ट पैसा लगा चुके हैं, 109 करोड़ के आसपास। अगर बता दूँ कंपनी का ट्रेड कितना रिसीव हुआ, कंपनी का प्रोजेक्ट कितना मिला, 280 करोड़। मतलब कंपनी को कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं। अभी कंपनी के एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, ध्यान से देखना, FS के पास 3.5% तक होल्डिंग हो गया था, वो बढ़ के 4.5% हो चुके हैं। DS के पास 19%, 18% का 14% के आसपास होल्डिंग था, वो बढ़ के 22% हो चुके हैं। और पब्लिक और प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स पहले से ही है। तो ओवरऑल इस कंपनी के अगर मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट पैटर्न जो बता रहा है, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर धमाका परफॉर्मेंस किया, और बहुत दिनों से मतलब लास्ट 3 3 टू 4 ईयर्स में कंपनी के ऊपर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। तो जब फिर से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से फिर से लंबा जर्नी देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। लास्ट जो कंपनी है, वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है, जिसका नाम है दीपक नाइटेड। इस कंपनी को जिस तरीके से मुझे अच्छा लगता है, उस तरीके से इसका मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग है। तो दीपक नाइटेड के बारे में बात करूँ, तो ये टोटली केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो कंपनी के सबसे पहले बात करूँ, तो कंपनी का जो टोटल कंट्रीज़ को कंपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, 45 कंट्रीज़ को, 6 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर और 56 एप्लीकेशंस के ऊपर, 1000 से भी ज़्यादा इसका कस्टमर बेस है, एंड 100 से भी ज़्यादा इसका प्रोडक्ट है। तो कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, उससे भी स्ट्रांग है इस कंपनी के प्रोडक्ट। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, वो किस किस सेक्टर के ऊपर है? फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर है, एग्रोकेमिकल्स के ऊपर है, साथ ही साथ रीजन के ऊपर है, पर्सनल केयर, पेपर के ऊपर, डाइस के ऊपर, मतलब डाइस एंड पिगमेंट्स के ऊपर, साथ ही साथ अधिसाव के ऊपर, पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर, कोटिंग, फ्यूल अधिसाव, उसके साथ साथ डिटर्जेंट, उसके साथ साथ एडल जो केमिकल्स है उसके ऊपर। तो बेसिकली कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो हर सेक्टर के ऊपर है, मतलब जो हम लोग डेली बेसिस यूज़ करते हैं उसी के ऊपर इस कंपनी केमिकल बनाते हैं। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी का क्लाइंट बेसिस बहुत स्ट्रांग है, जैसे निरमा हो गया, लॉरियल हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, HUL हो गया, साथ ही साथ BASF हो गया, रिलायंस हो गया, साथ ही साथ टाटा हो गया, BRBR हो गया, तो लुब्रिजल ये भी हो गया। तो बड़े से बड़े क्लाइंट इसके पास है, इसलिए मैं इस कंपनी को स्ट्रांगली पॉजिटिवली देखता हूँ। अभी चलो कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है वो देख लेते हैं। पहली बात कंपनी के कैपेक्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी पिछले सालों के तुलना से इस बार कैपेक्स को बढ़ा चुके हैं, 359 से कैपेक्स को बढ़ाकर 739 तक पहुँच चुके हैं। तो कंपनीज के जो मतलब ग्रोथ है वो अगर बात करूँ, तो कंपनी का ROC ROE बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, एवरेज के कई गुना ऊपर, 20% के आसपास ROC और 30% के आसपास एवरेज ROC का परफॉर्मेंस है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन 12% से 10% हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि केमिकल सेक्टर के डिमांड कम हुआ है। डेप्ट एकदम जीरो है, यही मैनेजमेंट का खासियत है, कभी भी कंपनी डेप्ट लेकर काम नहीं किया। अगर कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं हर जगह पे कंपनी का मार्केट शेयर 50% से भी ज़्यादा है। अगर रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ, तो कंपनी इंडिया में 80%, यूरोप में 10%, एशिया में 5%, USA में 4% का बिजनेस कर रहा है। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उनमें से जो कलर प्रोडक्ट है उसके ऊपर 62%, एग्रो में 22%, फ्यूल के ऊपर 9%, फार्मा के ऊपर 4%, अदर्स के ऊपर 3% का बिजनेस चल रहा है। अभी चलो कंपनी के बाकी डिजिस देख लेते हैं। जैसे कंपनी का मार्केट कैप 32,000 करोड़ है, एक स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी है। कंपनी का वैल्यूएशन देखा जाए तो उतना हाई भी नहीं है, ROC ROE बेस्ट है, इनकम जबरदस्त है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा है, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है, डेप्थ एकदम जीरो है। अगर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें, तो सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। करंट ईयर में कंपनी का सेल्स कम हुआ क्योंकि केमिकल का लास्ट 2 ईयर्स में
सेल्स डाउन है, तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ। कोई बात नहीं, कंपनी के ऊपर जो रिटर्न रेशियो है वो अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिले। अभी बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, कंपनी 10 टाइम से भी ज़्यादा रिजर्व को बढ़ा चुके हैं और बोरिंग्स कंपनी के ना के बराबर है। फिक्स्ड एसेट भी कंपनी 4 गुना बढ़ा चुके हैं। उसके साथ साथ कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला अगर उसको देखा जाए तो कंपनी 300 करोड़ से प्रोजेक्ट को 1200 करोड़ तक लेके गए। कंपनी इस बार खुद के बिजनेस के ऊपर 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। शायद इसीलिए इन्वेस्टर भी खुद के स्टेक को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। जैसे देखिए म्यूचुअल फंड ने क्वांटिटी मतलब खुद के होल्डिंग को थोड़ा सा कम किया। डीएस के पास जो होल्डिंग है 15% होल्डिंग को 19% तक लेके गया, मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्डिंग को बढ़ा रहा है। तो दीपक नाइट्रेट के ऊपर मैं टेक्निकली चार्ट प्लान के बारे में बात करूँ तो जब इस कंपनी के ऊपर एक लंबा सा जर्नी देखने को मिला था कोविड के टाइम में, इस कंपनी का प्राइस जो था उस लेवल से देखा है तो कंपनी के ऊपर जो जर्नी हुआ वो जर्नी देखा है तो ओवरऑल 600% के आसपास रिटर्न दिया। तो बहुत दिनों से कंपनी लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी के ऊपर कुछ खास ग्रोथ नहीं है। मुझे लगता है ये होल्डिंग पीरियड ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा धमाका हो सकता है। ये था चार कंपनी। अगर इस चारों कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, इस चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, किसी भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो एक बार रिसर्च करें उसके बाद काम करें और आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करें। इतने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।